हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शर्मा दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं धमाकेदार डीजे सेटअप। दोस्तों यहां पे भी पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा डीजे सेटअप, और यहां पे आप सभी की डिमांड थी कि भैया हमें यहां पे काफ़ी ज़्यादा सामान में डीजे सेटअप चाहिए। मिनिमम आप 4 बेस 4 टॉप वाला, और वो भी हैवी स्पीकर के साथ में लेके आइए। एम्पलीफायर भी हैवी लेके आइए, मिक्सर भी हमें अच्छा चाहिए, मतलब सब कुछ हमें प्रीमियम चाहिए। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने ये प्रीमियम यानी अच्छी क्वालिटी में आपको मैं डीजे लेने वाला हूँ। एम्पलीफायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एम्पलीफायर रखा हुआ है, मिक्सर भी है। टोटली यहाँ पे कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, और क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में वो भी डिटेल में देने वाला हूँ। चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी सारी डिटेल्स। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो टॉप है, बेस है, वो कौन से दे रहा हूँ और कैसे कैसे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास आ जाते हैं 4 टॉप आ जाते हैं, 1 2 3 4। ये पूरा का पूरा दोस्तों XTX मॉडल है, इसके अंदर कोई भी मैंने चेंज नहीं करा है। बेस भी जो है वो XTX मैंने रखा है, और यहाँ पर टॉप को भी XTX रखा है, ताकि इसका जो लुक हो वो एक जैसा बना रहे, इस बात का भी मैंने ध्यान दिया है। तो ये जो है वो बेस हमारी आ जाती है, और ये आ जाता है टॉप XTX 828, XTX 825। यहीं अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ स्पीकर्स की, तो बेस के अंदर दोस्तों बेसिकली मैंने जो स्पीकर्स यूज़ करें वो है यहाँ पे ATI Pro के PD1850, जो कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए, या फिर कह लीजिए अगर आपको हैवी बेस चाहिए 5 इंची वस्कल में, तो उसके लिए यूज़ होती है। तो यस, इसके अंदर 2 स्पीकर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्पीकर की बेस, यानी 4 बेस हो गई हमारी। ये डबल स्पीकर वाली बेस है, इस बात का आपको ध्यान देना है। एक बेस का वोल्टेज है 3600 वाट, यहीं आपको ध्यान देना है, 3600 वाट, ठीक है। 5 इंची वर्सकल, मैं वोल्टेज आप रहने दीजिए, 5 इंची वर्सकल, ये ध्यान रखिएगा, 5 इंची वर्सकल है इसका। यही अगर मैं बात करता हूँ हमारी जो कि टॉप है, टॉप में मैंने दोस्तों यहाँ पे जो कि पी ऑडियो का यहाँ पे जो चैलेंजर सीरीज 1000 EL, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे इसका लगा। कोई ये नहीं है कि आज मैं आपको नया बस 1-2 दिन की टेस्टिंग में दिखाया, इसको मैं काफ़ी टाइम से जो है टेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कस्टमर्स को भी दिया, उनका फीडबैक जो मुझे मिला है इस स्पीकर के लेके वाकई में गजब है। यहीं पे इसमें मैंने 2 स्पीकर प्लस 150 वाट का HF है, वो फिटिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं इस टॉप की। बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको पास लाना चाहूँगा, इस पर जो कि कवर है वो दोस्तों हमने यहाँ पे PVC कवर भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हैंडल कवर है, इस पर हैंडल के साथ में हो जाता है। यहाँ पे बद्दी लगी हुई है, ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है इसको टाइट करने के लिए, ठीक है ना। बेस पे भी हमने यहाँ पे कवर दे दिया है, और टॉप पे भी जो है वो हमने कवर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इस पे भी जो है वो हैंडल पूरा का पूरा यहाँ पे, और ये सामने से जो है वो ढक जाता है, चिपकने वाला है। इसके अंदर कोई भी हमने चैन वाला सिस्टम नहीं दिया, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, चैन वाले में क्या होता है वो टूट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चिपकाने वाला सिस्टम दिया है। और ओवरऑल ये 16 गेज ग्रिल है यहाँ पे, इसकी पूरी की पूरी आप क्वालिटी देख सकते हैं, पीछे यहाँ पे स्पीकर्स का यूज़ करा है। तो ओवरऑल ये तो हमारे जो हो गए टॉप और बेस हो गए, 4 टॉप और 4 बेस का ही सिस्टम हो गया। आप इसको डीजे हो गए, फ्लोर डीजे हो गया, लाइव में हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पे डीजे में चलाना है, तो आप कहीं पे भी इसको यूज करें, कोई कंपलसरी नहीं कि एक ही वेन्यू को देखते हुए सेटअप को जो है वो मैंने बनाया। बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है बेस को और टॉप में बनाने में, क्योंकि इसकी जो अंदर की फिनिशिंग है, जो फिटिंग है, वो आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से देता हूं। बात करता हूं दोस्तों यहां पे जो कि एम्पलीफायर है, आपको मैं यहां पे लाना चाहूंगा। हमारे पास एम्पलीफायर दोस्तों यहां पे आ जाता है, 1 2 3 4, अब ये 4 एम्पलीफायर मैं दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे 4 एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूँ, तो 2 जो है वो CA12 मैं अपने टॉप के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, और 2 MT1601 NX ऑडियो की, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं NX ऑडियो की, ये 1601 है ओरिजिनल, ये 2 पीस मैं आपको दे रहा हूँ, और ये साउंड स्टैंडर्ड के ओरिजिनल यहाँ पे देख सकते हैं बाई प्रोटेक, और साउंड स्टैंडर्ड के 2 CA12 दे रहा हूँ, ठीक है ना। साथ में दोस्तों इसको रन करने के लिए, यानी इसको आउटपुट देने के लिए यहाँ पे आ जाता है हमारा ये मिक्सर DJX, यहाँ पे देख सकते हैं 750, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस रहता है ये, और मार्केट में इजीली चल रहा है। क्वालिटी वाइज मतलब अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वालिटी इसका मिक्सर का काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चैनल जो है वो आपको पूरे तो मिल जाते हैं, एक जो है वो आपको माइक इनपुट भी जो है वो मिलता है,
ये देख सकते हैं यहाँ पे माइक इनपुट हो जाता है, ये पूरा का पूरा माइक इनपुट हो जाता है। और यही अगर मैं बात करता हूँ, चार चैनल में आप डायरेक्ट पूरा इनपुट कर सकते हैं अगर आपके पास प्लेयर हो, आपके पास यहाँ पे लैपटॉप हो या फिर कुछ भी हो, और सारे तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि एक के लिए ही मैंने आपको दिया है, आप कैसे भी यूज़ करें। कनेक्शन की रहती है बात दोस्तों यहाँ पे, जो कि कनेक्शन है, कनेक्शन के लिए मैं सारी की सारी आपको वायर्स इसके साथ में दूंगा। प्लस एक चीज़ मैं और आपको देना चाहूँगा, वो है यहाँ पे ये DBX का क्रॉसओवर। अभी ये क्रॉसओवर को मैंने अलग क्यों रखा है, मैं क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि मैं क्रॉसओवर अपने सेटअप्स पे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप सभी की डिमांड रहती थी कि भाई हमें क्रॉसओवर चाहिए चाहिए सेटअप पे, तो ये मैं आपको क्रॉसओवर दे दे रहा हूँ, आप चला सकते हैं। मेरी जो है मेरी पसंद जो है वो बिना क्रॉसओवर के है, क्योंकि MT की जो बेस की फ्रिक्वेंसी जो सेट होती है नहीं, जो उसका फिल्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है बिना क्रॉसओवर के भी। तो लेकिन आपको अगर क्रॉसओवर चाहिए तो यस, आप ये जो है वो क्रॉसओवर आप ले सकते हैं। DBX का ओरिजिनल क्रॉसओवर है बाय हार्मन प्रोडक्ट, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसकी जो वायरिंग है वो भी दूंगा इसके साथ में दोस्तों, इस बात का भी ध्यान देना है। इसके साथ में अभी और बाकी है, इसके साथ में आ जाता है दोस्तों हमारा ये स्टेबलाइजर, जो कि यहाँ पे ये है 10 KVA का। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरा लाइव में आके, तो ये 10 KVA का स्टेबलाइजर है। आप को ये भी मिल जाता है ओवरऑल, इसकी भी क्वालिटी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे हमारा बेस एंड टॉप हो गया और चार बेस हो गई। अगर आप चाहते हैं कि और बेस ऐड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, वो आपकी कस्टमाइजेशन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल मैंने ये आपको बता दिया। गिन लीजिए, 4 टॉप 4 बेस, 2 MD-1601, 2 CA-12, 1 DJ-Mixer, क्रॉसओवर आप ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों बस ये सेटअप की सारी वायर्स हो गई, एक स्टेबलाइजर हो गया। ये जो सेटअप है दोस्तों बेसिकली काफ़ी अच्छे एक लेवल की क्वालिटी के लिए मैं दे रहा हूँ। और ओवरऑल अभी हम चलते हैं दोस्तों, इसकी जो कि टेस्टिंग है वो हम देख लेते हैं।
दोस्तों कैसा लगा ये सेटअप, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। दोस्तों कैसे लगी इसकी क्वालिटी जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ, दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ आपको इस सेटअप में क्या क्या देने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है चार टॉप, 1, 2, 3, 4 विद कवर है ये पीवीसी जो है वो ये कवर के साथ में आएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चार बेस मिल जाती हैं, 1, 2, 3, 4 डबल वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और स्पीकर की वोल्टेज की बात करूँ, 1805 इंची वर्चुअल में है, पीडीए 1850 एटीआई प्रो की। टॉप में जो स्पीकर है वो है हमारे यहाँ पे पी ऑडियो के 1000EL वाला मॉडल है, चैलेंजर सीरीज का है। बेस के एम्पलीफायर की बात करूँ तो 2 MT-001 है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है 2 MT-001 रहेगा। टॉप की अगर एम्पलीफायर की बात करूँ तो 2 CA-12 हम दे रहे हैं। क्रॉसओवर मिक्सर जो है वो यहाँ पे, जो कि क्रॉसओवर है वो दोस्तों यहाँ पे 4-way क्रॉसओवर में दे रहा हूँ। क्रॉसओवर में 234XX क्रॉसओवर है, इसका ये मॉडल नंबर है। डीजे मिक्सर दोस्तों यहाँ पे बेहरेंगर का है, इस बात का आपको ध्यान देना है, बेहरेंगर का यहाँ पे डीजे मिक्सर में दे रहा हूँ। और इसका जो मॉडल नंबर है वो DJX750, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। वायरिंग हो गई दोस्तों इसके साथ में, पूरा इंक्लूड रहेगा यहाँ पे। इसके साथ में जो कि स्टेबलाइजर है वो भी यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों अगर ये सेटअप अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बताना। बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, डिटेलिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं प्राइस लिखूंगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसकी मैं क्या प्राइस पे आपको लेकर आऊँगा, बस मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं आपको ये जो है वो सेटअप मुझे देना है, इस क्वालिटी में देना है, तो मैंने बस बना दिया आप सभी के लिए। प्राइसिंग जो है वो बाद में कैलकुलेट करके, लेकिन कॉस्ट की बात करता हूँ तो अच्छी खासी कॉस्ट में आपको दूंगा। यहाँ पे आपको मार्केट में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइस पे ये क्वालिटी नहीं मिल सकती, इस बात का भी ध्यान देना है। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।